फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सिटी के बारे में जहाँ कभी अपराध, ड्रग्स, कोकीन और भ्रष्टाचार आम बात हुआ करती थी, और वेश्याओं यानी कि सेक्स वर्कर को बड़ी आसानी से वहाँ के सड़कों पर मौजूद देखा जा सकता था। हालांकि गवर्नमेंट अब इन सारी एक्टिविटीज को बहुत ही हद तक कम कर चुकी है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मकाऊ सिटी के बारे में, जो कि अब मकाऊ चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कुछ कमाल की फैक्ट्स मकाऊ सिटी के बारे में। पूरे चीन में लगभग मकाऊ एक ऐसा जगह है जहां पर जुआ यानी कि गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगलाइज्ड है। मकाऊ को 300 से भी अधिक वर्षों के लिए एक पुर्तगाली कॉलोनी के रूप में जाना जाता था। यही रीजन है कि पुर्तगाली, चीनी और कैंटोनीज मकाऊ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, मकाऊ में विनिशियन मकाऊ नाम का कैसिनो दुनिया का सबसे बड़ा कैसिनो है। गौरतलब करने वाली बात यह भी है कि मकाऊ में पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग और वेश्यावृत्ति अभी भी आम बात है। यही कारण है कि दुनिया से बड़े बड़े अमीर लोग यहां मौज मस्ती करने आते हैं। मकाऊ सिटी में पुर्तगाली अंडा स्टार्स को सबसे टेस्टी और फेमस ब्रेकफास्ट माना जाता है, जो वहां के तकरीबन सभी रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है। दरअसल मकाऊ एक शहर के रूप में होने के बावजूद भी मकाऊ के पास कोई भी कैपिटल सिटी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी मकाऊ घूमने जाते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर वहां होटल, रिसोर्ट, स्टेडियम, रेस्टोरेंट और कैसीनो देखने को मिलेगा। ये सब मिलकर इसे विश्व के सबसे रिच सिटी में से एक बनाते हैं। फ्रेंड्स, मकाऊ गवर्नमेंट की इनकम की मेन सोर्सेस गैम्बलिंग है, यानी कि जुआ, जिससे हर साल मकाऊ गवर्नमेंट को लगभग 45 अरब डॉलर के अराउंड इनकम होती है, जो कि लास वेगास की तुलना में तकरीबन 7 गुना से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।